नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। सभी दर्शकों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की रेवाड़ी ब्रांच के बीच बेहद दिलचस्प क्रिकेट मैच खेला गया। रेवाड़ी के गांव मसानी स्थित क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित मैच में आयकर विभाग की टीम ने 100 रन बनाकर 101 का लक्ष्य सीए की टीम को दिया, लेकिन सीए रेवाड़ी की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 69 रन पर ही ढेर हो गई। ऐसे में आयकर विभाग की टीम ने आसानी से 31 रन से जीत दर्ज की। मैच का परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन मैच के दौरान पूरा रोमांच जरूर बना रहा। मैच का शुभारंभ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर IRS AK धीर द्वारा किया गया। इतना ही नहीं, IRS AK धीर की कमेंट्री भी लाजवाब रही। वहीं कमिश्नर धीर ने बड़ा मैसेज देते हुए कहा कि खेल बेहद जरूरी है, एक फिट खिलाड़ी हर मोर्चे पर सफल रहता है। वहीं प्रसिद्ध उद्योगपति MP गोयल ने कहा कि कमिश्नर धीर जी की ये एक बड़ी पहल है, सब साथ मिलकर समस्या नहीं समाधान बनेंगे। आइए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मौके पे 26 जनवरी 2024 को रेवाड़ी के मसानी स्टेडियम में ये मैच CA वर्सेज इनकम टैक्स की टीम के बीच कराया जा रहा है और CA इंस्टीट्यूशन NIRC रेवाड़ी यूनिट का इसमें बड़ा योगदान है और गोयल साहब का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस मैच को ऑर्गेनाइज करवाने में। और ये आज भगवान की भी अपार कृपा रही, मौसम बहुत अच्छा है और दोनों टीमें बड़े जोश के साथ खेल रही हैं और दर्शक यहाँ बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं और ये एक खेल भावना को प्रमोट करने के लिए और एक स्वच्छता अभियान जो मोदी साहब का चला हुआ है उसमें ये एक योगदान करने के लिए संदेश है हमारा कि खेल भावना, स्वच्छता और देश को आगे बढ़ाने का फिटनेस के लिए ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं एक जटिल काम है और तमाम तरह से आप करते हैं, जिस तरह से स्टेडियम में आपको कमेंट्री करते देख रहे थे, तो क्या मैसेज है, क्या उद्देश्य है जिस तरह से ये आप तालमेल बिठा पाते हैं इस तरह से? बस ये थोड़ा सा शौक है, कुछ कॉलेज टाइम का कुछ हमारे डिपार्टमेंटल मैच भी होते रहते हैं। पीछे गुड़गांव में भी 3 मैच हुए, एक हाइडलबर्ग सीमेंट के साथ कंपनी के साथ, 2 CA वहाँ की NIRC यूनिट के साथ हैं। तो मेन भावना ये होती है कि खेल भावना को प्रमोट किया जाए और उसमें थोड़ा बहुत हमारा योगदान और हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस बढ़िया रहे, क्योंकि खिलाड़ी फिट रहेंगे तो काम भी अच्छा होगा और देश की सेवा भी कर पाएंगे। और एक अच्छा खिलाड़ी, अच्छा फिटनेस का इंसान हर फील्ड में अच्छा होता है, वो हर मोर्चे पर जीतता है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में जिस तरह तमाम लोग व्यस्त, क्या मैसेज देंगे? मोदी साहब हैं हमारे जो डिपार्टमेंट के, हमारे PCIT सर हैं प्रताप सिंह सर और हमारे प्रिंसिपल CC मैडम, ये सभी अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं और ये एक सिंबल जाता है कि अगर आप फिट हैं लाइफ में तभी आप फिट हैं। तो अपने फिटनेस के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें, थोड़ा योगा करें, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा मतलब आधा घंटा ही बहुत है, वो आधा घंटा आपको बाद में 1-2 घंटे डॉक्टरों से बचा सकता है। तो फिटनेस और अच्छी डाइट ये लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, आपको हमेशा फिट रहना ही पड़ेगा। सर क्या कहेंगे मैच को लेकर, तमाम किस तरह से का मैच और क्या उद्देश्य है? देखिए, मैच जब हम शुरू आए तो हमें लग नहीं रहा था कि मैच आज स्टार्ट हो पाएगा, लेकिन भगवान ने भी जो है अपना एक करिश्मा दिखाया। जिस तरह की आज धूप खिली हुई है उसे देखकर लगता है कि भगवान हमारे पर मेहरबान था। और ये जो इनकम टैक्स और हमारा ये CA एसोसिएशन का जो एक संयोग है ना, या आपकी रेवाड़ी टीम का CA का एक संयोग है, ये एक संयोग आज देखने को मिला और भारी संख्या में दर्शक मौजूद हैं, आप देख रहे हैं और किस तरह से मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और इसका ये मीनिंग यही था कि हम किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए, दिनचर्या में हम सभी अपने मोबाइल्स में लगे रहते हैं, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी है वो नहीं हो पाती, तो इस मैच के जरिए हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं, एक दूसरे से संबंध बनाना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। तो क्या मैसेज देंगे, क्योंकि यूथ कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भी कहा कि मोबाइल पर बिजी है, तमाम यूथ आज फील्ड में दिखाई दे रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? मैसेज मैं यही दूंगा कि इस तरह के खेलों का आयोजन होना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में हमें मिलजुल कर ये खेल खेलने चाहिए, उससे क्या है कि हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी और हम मोबाइल को जो है कुछ समय के लिए छोड़ पाएंगे। मेरा नाम CA शांत यादव है और मैं अपने रेवाड़ी ब्रांच का अभी चेयरमैन हूँ। तो मुझे बहुत ही सौभाग्य की मिला है कि मुझे आज ये मौका मिला कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ हमें एक मैच करने का एक मौका मिला,
क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारे सीएज में और इनकम टैक्स में भी जो भी जितने भी कार्य करते हैं तो उसमें अभी फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारी कम हो गई है, तो उस चीज़ों को देखते हुए हमने ये हमें मौका मिला कि हमें इनकम टैक्स के साथ मैच रखा जाए, तो हमने गोयल साहब की मेहरबानी से मतलब इन्होंने स्पॉन्सर किया आज का प्रोग्राम, तो उनके उसमें हमने फिर ये मैच रखा है। और दूसरा एक कारण ये भी था कि अब इनकम टैक्स एक्चुअली फेसलेस हो गया है, तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनसे मिलने का बहुत ही कम मौका मिलता है, तो आज इस माध्यम से हम सभी लोगों से जितने भी इनकम टैक्स रेवाड़ी के जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ है सबसे मिल पाए, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। खेल कहने के जोड़ने का भी काम करता है, शायद उसी का उद्देश्य ये रहा। बिल्कुल, मतलब खेल में क्या है कि मतलब सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है और एक दूसरे से अच्छे रिलेशन बनते हैं, तो एक दूसरे के अच्छे समझ पाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें ये सारी चीज़ें। बाकी लोगों को क्या मैसेज देंगे, जिस तरह हर कोई आजकल मोबाइल पर बिजी है, तो कहीं ना कहीं आपस में मिलजुल भी बढ़ाते हैं। यही चीज़ है कि मतलब कि हम तो यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान दिया जाए, मोबाइल में क्या है कि कनेक्टिविटी सोशल नहीं हो पाते आदमी, वैसे तो आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बट एक्चुअली पड़ोस का नहीं पता कि कौन क्या है, तो फिजिकल होने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है कि हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं। सर, आज के जो बेहतरीन आयोजन चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, ये जो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो मैच हो रहा है, ये हमको बहुत ऊंची सोच लेकर के चल रहा है। एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपस में है, टैक्स इनकम पे टैक्स है तो ज़बरदस्ती नहीं है, और उस टैक्स को सही गवर्नमेंट सहज से लेना चाहती है, टैक्स प्लानिंग भी देती है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें पब्लिक की तरफ से वेल अवेयर करता है। ये हमारा गेट टुगेदर जो प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी टीम मिल करके ये प्रोग्राम हो रहा है, रेवाड़ी का सौभाग्य है इस तरह के कार्यक्रम रेवाड़ी में होने लगे। हमारे धीर साहब जब कमिश्नर साहब जो रेवाड़ी आए हुए हैं उनकी पहल करी और यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रशांत गोयल जी की अध्यक्षता में जब हो रहा है कार्यक्रम, हम गदगद हैं रेवाड़ी के सभी टैक्स पेयर, और ये सोच रहे कि ऐसा काम होने लगा, आपस में एक समन्वय बनने लगा, अवेयरनेस होने लगी, गेट टुगेदर होने लगी, हमारी दूरियाँ खत्म होने लगी, दूर लगते थे कौन है पता नहीं कौन है, आज हम बड़ा सौभाग्य फील करते हैं कि आज चार्टर्ड अकाउंटेंट और इनकम टैक्स के बीच में जो हो रहा है ये बहुत बड़ा रेवाड़ी का सौभाग्य है। तो समस्या नहीं, समस्याओं का समाधान होगा, जो एक आज तक समस्या दिखती है इनकम टैक्स, इनकम पे टैक्स है, इनकम है तो टैक्स भी देना है, तो कोई सहज हमें देना, और वो टैक्स हमारा कहाँ लेह लद्दाख में जाके रोड बनाने में काम आता है, बॉर्डर पे काम आता है, देश नहीं तो धर्म नहीं, धर्म नहीं तो देश नहीं। आज टैलेंट के साथ इमोशन चाहिए, इमोशन के साथ टैलेंट चाहिए, ना पूरा इमोशन काम कर रहा ना पूरा टैलेंट काम कर रहा, टैलेंट इमोशन के साथ हो। नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम का बनाया, उसी तरीके धीर जी ने हमारे रेवाड़ी में आके कमिश्नर साहब ने जो पहल करवाई है बहुत गदगद है हम, और सभी लोग इसमें साथ देंगे, आगे आगे होते रहे कार्यक्रम, हम उनसे अनुरोध करते हैं रेवाड़ी का सौभाग्य। कहने का बड़ा मैसेज है खेल के माध्यम से देश को जोड़ने का। हाँ, देश भी जुड़ रहा है, देश हरियाणा से है, हरियाणा रेवाड़ी से, और धीर साहब यहाँ रहते हैं और इस तरह की सोच रखते हैं, और इतनी अच्छी मनोरंजन करा के इनकी वजह से लोग डटे हुए हैं, और इतना अच्छा मैच हो रहा है, इतनी अच्छी हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 101 का टारगेट दिया है और चार्टर्ड अकाउंटेंट कोशिश कर रहा है, और अभी इसी मैच में आप लोग आए, बड़ा हमारा सौभाग्य है, और आप लोगों का धन्यवाद है, आप सवाल लेते हो, और एक अच्छी गतिविधि, हिंदुस्तान अच्छे की तरफ जा रहा है। आज फ्रांस के राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ हैं, जो रक्षा का निरीक्षण कर रहे हैं, रक्षा अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण कर रहे आ रहे हैं, यहाँ देखो तो अमेरिका, रशिया, फ्रांस का ही नाम आता है, और इंडिया खुद अपना हथियार बनाएंगे, मोदी जी के शोर, मोदी जी के साथ बहुत अच्छा आगे भविष्य दिख रहा है, और इसी में जो संभाल रहे हैं, और धीर जी का अनुभव जो है, हमारे कमिश्नर साहब का अनुभव है, ये रेवाड़ी के लिए बहुत हम गदगद हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, और आगे होते रहे, हम यही उनसे उम्मीद करें।